सो माई फैमिली, वेदर की अपडेट लेके आई एम बैक हियर। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। और मैं अब आपको देने वाली हूँ स्नोफॉल कहाँ पे होगा, मनाली, रोहतांग, शिमला में वेदर कैसा रहने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन। सो फैमिली, सबसे पहले बात कर लेते हैं मनाली की। मनाली की जो टेम्परेचर है वो रह रहा है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में। मौसम एकदम ऑसम वाला हो रहा है, स्नोफॉल नहीं हो रही है अभी, वहाँ पे कुछ दिन पहले हुई थी बट अभी नहीं हो रही है। बात कर लेते हैं रोहतांग की। रोहतांग में जो है टेम्परेचर काफ़ी डाउन चला गया है और वहाँ पर स्नोफॉल हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, अभी फिर से वहाँ पर स्नोफॉल होने के चांसेस है। जब होगी तो मैं अपडेट आपको फिर से दे दूंगी। चलो अब जल्दी से बात कर लेते हैं शिमला की। तो फैमिली, शिमला में ऑसम एकदम मौसम वाला, और मौसम एकदम मौसम वाला हो रहा है फैमिली। एज यू कैन सी, धूप सीधी मेरे फेस पे पड़ रही है, बहुत मस्त वाली धूप निकली, तीखी धूप निकली, तेज़ वाली। ठंडी ठंडी हवा चल रही है बट इतना ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही है वो चीज़। और अगर बाहर आ रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो या फिर ट्रिप प्लान कर रहे हो शिमला आने की सोचो, तो कैरी योर वार्म क्लोथ्स विद यू, बिकॉज यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा नहीं है कब करवट ले ले वेदर। और शाम को जा रहे हो तो भी अपने साथ जैकेट या स्वेटर हमेशा कैरी करके रखना, अभी बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। तो अपना ट्रिप और आउटिंग अच्छे से इन्जॉय करो। कमेंट में मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो कहाँ की लेके आऊँ, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।